मधुबनी हलचल न्यूज जिस समय हम मौजूद है मधुबनी नगर निगम के विवाह भवन में। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं अति पिछड़ा अनुसूचित जाति संयुक्त मोर्चा की तरफ से भच्ची पंचायत के पूर्व मुखिया और समाज सेवी अतौरहमान अंसारी जी का आज यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखा गया है, जिस पे कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कहते हैं इस विषय पर और उनकी छवि क्यों पूरे मधुबनी जिला भर में विख्यात थी। क्या नाम हुआ आपका सर अपना? मेरा नाम गणेश प्रसाद मंडल। मैं अति पिछड़ा अनुसूचित जाति के संयुक्त मंडल का सदस्य हूँ और हमारे प्रिय साथी श्री अताउल रहमान जी बहुत हमें क्लोज थे और इनका उद्देश्य था कि अपने देश में हिंदू मुस्लिम का जो खाई बढ़ा रहा है लोग उसको कम करें, तो बराबर इस विषय पर हम लोगों को बात होता था। उसके बाद अति पिछड़ा हिंदू मुस्लिम और अनुसूचित को एक फॉर्म बने। आज हकमारी हो रहा है हम लोगों का आरक्षण में। आज नीतीश कुमार जी तेली दांगी को घुसा करके और पूरा आरक्षण हड़प लिया है। 75% CO BDO मेयर सारे लोग वही लोग दबंग पिछड़ा को घुसा करके। तो कहीं ना कहीं अताउर रहमान जी जो थे संगठन में साथ साथ हिंदू मुस्लिम को सबको साथ लेके चला करते। हाँ, उसके बाद इस मोर्चा संयुक्त मोर्चा में वो किसी पद पर भी थे? नहीं, हम लोग अभी संयोजक मंडल में थे, अभी पद का बंटवारा नहीं हुआ। सालों से वो थे? लगभग 2-3 साल से। संगठन में कब से जुड़े थे वो? वो संगठन में अति पिछड़ा दलित संगठन में तो पहले से थे। अनुसूचित जाति संयुक्त मोर्चा जो था सो 2-3 साल से चल रहा है। और हम लोग पटना गए, हम लोगों को जो नीतीश कुमार जी आरक्षण में हकमारी किया है, हिंदू मुस्लिम को हकमारी किया है, बहुत बड़ा हकमारी किया है। 75% आरक्षण हम लोगों को हड़प लिया है मूल अति पिछड़ा को। तो मूल अति पिछड़ा आंदोलन अभी चल रहा है पटना में, फिर 25 तारीख को अब अपने हकमारी के विरोध में पूरे बिहार से अधिक अति पिछड़ा के लोग हिंदू मुस्लिम सब वहाँ पहुँच रहे हैं धरना कार्यक्रम में। यहाँ से मधुबनी से भी हम लोग 50 साथी जाएंगे, जहाँ तक होगा उन लोगों का आत्मबल बढ़ाने का काम करेंगे। इस श्रद्धांजलि सभा में यह भी शपथ लिया गया है क्योंकि वे जो अतौरहमान अंसारी थे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय चतुरानंद मिश्र के पर्सनल असिस्टेंट थे। आप सभी को मैं बताता चलूं, उनका ये एम था कि कहीं भी अति पिछड़ा दलित समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, किसी भी समाज के साथ कभी कोई हानि ना हो। अगर समाज में कोई भी दल उनका हानि करता है तो उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। इन्हीं आवाज़ के लिए 25 जुलाई को पटना में धरना रखा गया है। रहमान अंसारी ये हमारे साथ 1975 से 78 से ये हमारे साथ रहे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला परिषद में भी रहे, इन्होंने शहर मंत्री कई बार रहे और कृषि मंत्री चतुरानंद मिश्र का PA हम लोग मिल करके इनको सिलेक्शन किए थे। जबकि हम लोगों से पूछा गया जब कौन एक जाएंगे शहर से, तो हम लोग अताउर रहमान का नाम दिए थे, ये PA बने थे। क्या क्या उनकी छवि थी सर, क्या क्या उपलब्धियाँ थी? अताउर रहमान की उपलब्धियाँ अनंत थी। इन्होंने जहीं जाता था, जिस मीटिंग में जाता था, अपना छाप भी छोड़ देता था। ये धोती पहनते थे तो ब्राह्मण को भी काट देता था। और इनकी भाषा मैथिली, जो मोहम्मदन में कोई बोलता हो या नहीं बोलता हो, इनकी भाषण मैथिली में जो होता था वह मैथिली का भाषण कोई कह नहीं सकता है जो ये मैथिल ब्राह्मण नहीं थे। जहाँ भी ये जाते थे अपना छाप ही छोड़ते थे। वहाँ के उसके बाद चतुरानंद मिश्र के बाद इन्होंने भच्ची पंचायत के मुखिया बने, उसमें हम लोगों का पूर्ण सहयोग था। भच्ची पंचायत मुखिया के बाद इन्होंने हमेशा आंदोलन अति पिछड़ा संयुक्त मोर्चा जो बना इसमें अग्रेसिव रूप से समाज कल्याण में लगे रहते थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी अभी तक ये जुड़े हुए थे। इनको सब चाहता था और हमारे तो सब पुराने साथी थे, हम जब भी रहते थे दोनों साथ साथ रहते थे। क्षति तो हमारी बहुत हुई, हम खास करके व्यक्तिगत रूप से हमारा क्षति हुआ जो हमारे हाथ पुरने वाले, हमारे बाएं पुरने वाले अताउर रहमान थे। बहुत दुखद न्यूज हमको मिला। आज उनके श्रद्धांजलि सभा हम लोग मना रहे हैं और बराबर हर एक संगठन में इनका श्रद्धांजलि सभा हम मनाएंगे।
विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति में भी उतना ही जोरदार भाषण के साथ हम लोगों के साथ रहते थे। उसका भी राज्य और जिला तक का जितना होगा सब में हम श्रद्धांजलि सभा अताउर रहमान को मनाएंगे। इस सभा में आप सभी ने उनके परिवार के साथ कैसी श्रद्धा दी है और इनके जो सुपुत्र हैं क्या है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे इनके पुत्र अताउर रहमान के पुत्र हैं, ये हमको खूब जानते हैं। जब भी आते थे अताउर को लेकर के आते थे और घरेलू संबंध था, हमारे किचन के साथ संबंध था इनको। और ये इकबाल जब तक हम लोगों से जुड़े रहेंगे, अताउर रहमान के जितना अति करते थे उससे बढ़ चढ़ करके इनको हम आगे बढ़ाएंगे और इनको भी हम संगठन में लाने का प्रयास करेंगे और ये जोड़ेंगे। सब नेता का बेटा नेता ही होता है, इसको हम बता देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मधुबनी हलचल।